गाइस वेलकम टू माय चैनल नाम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज जो है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के बारे में बात करेंगे। आज शो के अंदर क्या क्या हुआ, ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या हुआ, कौन सा रेसलर किस ब्रांड में स्विच हुआ, किन रेसलर्स ने करी है यहाँ पर आज रिटर्न, क्योंकि हमें रिटर्न भी देखने को मिली है और रिटर्न देखने को मिली है। तो काफी कमाल का ये शो था और आपको मजा आएगा आई होप शो देखकर। तो करते हैं शो का रिव्यू और करते हैं बात की भाई कैसा रहा ये ओवरऑल शो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे, तो फिर बैठो गाड़ी में चलते हैं राइड पे। सबसे पहले बात करते हैं फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच की, जो कि हमें बिगी वर्सेस शीमस के बीच में देखने को मिला। और इस मैच से एक्सपेक्टेशन तो थी, बट भाई जिस तरीके से मैच डिलीवर हुआ है आई थिंक एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बेटर मैच था। मतलब भाई नेक्स्ट लेवल ये मैच था, बहुत ही कमाल के एलिमेंट्स इस मैच के अंदर थे। मतलब क्या नहीं हो रहा था इस मैच के अंदर, कोई किसी के ऊपर कुछ फेंक रहा है, झाड़ू पड़ रहे हैं, किसी को अंडे पड़ रहे हैं, मतलब भाई सब कुछ चल रहा था इस मैच के अंदर और बहुत ही कमाल का मैच था। एंडिंग काफी अच्छी लगी मेरे को, जिस तरीके से पहले तो शीमस व्हाइट नॉइज लगाते हैं बिगी को और उसके बाद हम देखते हैं कि बिगी लगाते हैं बिग एंडिंग कार के ऊपर से, वो सीधा जंप करते हैं और बिग एंडिंग लगाते हैं टेबल के ऊपर। तो ये काफी कमाल का एंडिंग भी थी मैच की। आई थिंक मैच में कहीं भी बोर नहीं हुए होंगे आप, क्योंकि काफी अच्छे एलिमेंट्स इस मैच के अंदर दिखाए और आई थिंक ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा मैच था। इसके अलावा अगर चले रोमन रेंज और जे यूसो की पिक्चर में, तो वहां पर हमने देखने को मिला कि जे यूसो पहले आते हैं रिंग के अंदर, पूछते हैं रोमन रेंज से कि क्या स्टिपुलेशन होने वाली है, और उसके बाद रोमन रेंज बताते हैं कि हेल इन अ सेल के अंदर जो हमारा मैच होगा वो ना सिर्फ एक हेल इन अ सेल मैच होगा बल्कि वो मैच आई क्विट मैच भी होगा, यानी कि किसी ना किसी एक रेसलर को आई क्विट बोलना होगा अपने मुंह से, तब जाकर वो मैच एंड होगा, यानी कि हार माननी पड़ेगी, मुंह से बोलना होगा आई क्विट और उसके बाद वो मैच एंड होगा। तो ये ठीक है, मतलब आई क्विट मैच आई थिंक काफी लोग काफी समय से वेट कर रहे थे कि भाई आई क्विट मैच आए, यहाँ पर मैच आया। ऑब्वियसली काफी लोग शायद इस चीज से खुश ना भी हो, क्योंकि यार आई क्विट मैच आया भी तो इस तरीके से कि जहां पर हमें पता है कि कौन जीतने वाला है, बट स्टिल यहाँ पर जे यूसो जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा कि भाई हार नहीं मान रहे थे और रेफरी ने मैच रोक दिया था, बट यहाँ पर उनको आई क्विट बोलना पड़ेगा। तो इस चीज को भी आप एक तरीके से अगर इमेजिन करो तो थोड़ा सा इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऑब्वियसली हारना तो नहीं है। तो देखते हैं WWE किस तरीके से आई क्विट बुलवाती है जे यूसो से, क्या क्या होने वाला है इस मैच के अंदर। तो अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है और काफी डोमिनेटिंग तरीके से एक बार फिर से रोमन रेंज को यहाँ पर दिखा सकते हैं। और हाँ, एक चीज और थी जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए इस पूरे प्रोमो के अंदर, वो ये थी कि रोमन रेंज ने इस सेगमेंट के अंदर ये भी बोला कि भाई जब तुम आई क्विट बोल दोगे तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। तो भाई क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब हम अगर इमेजिन करें तो इमेजिनेशन जो हमारी जाती है वो जाती है कि शायद वो उनको अपने एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे, मतलब जिस तरीके से रूमर्स आ रही है कि भाई रोमन रेंज अपनी एक अलग अलायंस बनाने वाले हैं, तो हो सकता है कि भाई उसकी शुरुआत वहीं से देखने को मिले और जे यूसो फिर रोमन रेंज के साथ आपको देखने को मिले। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है जो कि हम इमेजिन कर रहे हैं, बट इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है वो तो हमें देखना पड़ेगा हेल इन अ सेल के अंदर। इसके अलावा साशा बैंक और बेली के बीच में मैच होता है जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए होता है। अब काफी एक्सपेक्टेड था कि ये मैच का कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह हमें देखने को मिलेगी इस मैच में, पर वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बेली यूज करती है चेयर और उसके बाद हो जाती है डिस्क्वालिफाइड। तो इन अ वे आप कह सकते हो साशा बैंक इस मैच को जीत जाती है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक वगैरह भी करती है बेली के ऊपर चेयर से और फिर वहां से बेली भाग जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि साशा बैंक चैलेंज कर देती है बेली को वन ऑन वन मैच के लिए जो कि होने वाला है हेल इन अ सेल के अंदर। तो इस मैच की ऑब्वियसली सब एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मैच तो हमें देखने को मिलेगा हेल इन अ सेल के अंदर, और मेरे से अगर पूछा जाए तो तीन मैचेस हेल इन अ सेल के अंदर होने वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं किसी मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ वो हूँ मैं बेली और साशा बैंक के हेल इन अ सेल मैच के लिए। तो लेट्स सी किस तरीके से मैच जाता है। ऑब्वियसली अब साशा बैंक ने चैलेंज कर दिया तो ये मैच तो ऑब्वियसली होना ही है, तो लेट्स सी कभी ऑफिशियल होता है और ये मैच कैसा होने वाला है इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच दिया है आयरन मैन मैच एनएक्सटी टेकओवर के अंदर। तो उससे पता चलता है कि इन दोनों की केमिस्ट्री जो है ना वो काफी कमाल की है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार दो अच्छे रेसलर्स भी एक कमाल का मैच नहीं दे पाते हैं क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं बैठती है, बट इन दोनों के अगर बात करें तो काफी अच्छी केमिस्ट्री है इन दोनों के बीच में, और जब ये दोनों साथ होते हैं या फिर अगेंस्ट होते हैं एक दूसरे से तो काफी कमाल के ये मैचेस दोनों देती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ट्रिपल एच शॉन माइकल, उन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी, चाहे वो साथ हो चाहे वो अगेंस्ट हो, काफी कमाल की वो चीजें करते थे। तो वैसे ही इनके साथ भी है कि इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, चाहे वो एक दूसरे के साथ हो या फिर ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो, कमाल की चीजें ये करते हैं। तो लेट्स सी क्या एक बार फिर से ही हमें कमाल का मैच दे सकते हैं या फिर नहीं, उसके लिए वेट करना होगा हमें हेल इन अ सेल का। अब अगर थोड़ी सी यहाँ पर ड्राफ्ट की बात कर ले तो हमने देखा यहाँ पर जो सबसे बड़ी
बड़ी हमें ड्राफ्ट देखने को मिली पूरे स्मैकडाउन शो के अंदर, वो देखने को मिली सेथ रॉलिंस का स्मैकडाउन के अंदर आना। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। सेथ रॉलिंस एक्सपेक्ट सब कर रहे थे कि भाई हो सकता है कि सेथ रॉलिंस चले जाए स्मैकडाउन में, क्योंकि रॉ के अंदर वो कुछ कर नहीं रहे थे। मर्फी वगैरह की अलग स्टोरी लाइन चल रही है, हालांकि उन्हें जबरदस्ती उस स्टोरी लाइन के अंदर डाला जा रहा था, बट स्टिल उनकी वो स्टोरी लाइन नहीं थी। तो यहाँ पर अब स्टोरी लाइन से उन्हें हटा दिया है, उनको स्मैकडाउन के अंदर भेज दिया है। तो अब लेट्स सी भाई स्मैकडाउन में वो क्या करने वाले हैं, मंडे नाइट मसाया आप क्या कहकर बुलाने वाले हैं अपने आप को, ग्रेटर गुड बोलेंगे या फिर कुछ और नाम लेकर आने वाले हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और एक और चीज यहाँ पर हो गई, मतलब सेथ रॉलिंस तो आ गए स्मैकडाउन में, बट उनके पीछे पीछे रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस का अगर मैं बोलूँ तो मेरे को लग नहीं रहा था कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक ब्रांड के अंदर जाएंगे, बट अब अगर ये हो गया है तो ये तो 110% गारंटीड हो गया है कि फीड को तो जाना ही पड़ेगा रॉ के अंदर, बिकॉज वहां पर एक बड़े सुपरस्टार की जरूरत है। तो अगर सेथ रॉलिंस के कैलिबर का कोई रेसलर है, सेथ रॉलिंस के लेवल का कोई रेसलर है स्मैकडाउन में, तो ऑब्वियसली वो रोमन रेंस और फीड है। तो रोमन तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुके हैं, स्मैकडाउन ने पिक कर लिया उन्हें। तो इसका मतलब साफ है कि भाई फीड हमें देखने को मिलेंगे रॉ के अंदर। इसके अलावा ड्राफ्ट की अगर और बात करें तो एजे स्टाइल चले गए हैं रॉ के अंदर, ये भी काफी आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड था कि भाई वो तो जाने ही वाले हैं और वो चले गए हैं अब रॉ के अंदर। तो लेट्स सी भाई रॉ में वो क्या करने वाले हैं। इसके अलावा मेज एंड मॉरिसन चले गए हैं रॉ के अंदर, तो दोनों को साथ में भेजा है, दैट मींस इसका मतलब दोनों के लिए अभी सेपरेट वाले प्लान्स नहीं है WWE के पास और दोनों को टैग टीम डिवीजन के अंदर ही डालना है। सो लेट्स सी भाई किस तरीके से उनके साथ आगे चीजें होने वाली है। और नियोमी चली गई है अब रॉ के अंदर, तो लेट्स सी भाई नियोमी के लिए कुछ अच्छी चीजें होने वाली है आगे या फिर नहीं। इसके अलावा मैचेस के ऊपर वापस चले तो हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, मैथ रिडल जेफ हार्डी वर्सेस द मेज एंड मॉरिसन। और यहाँ पर हम ऑब्वियसली मैथ रिडल और जेफ हार्डी को देखते हैं कि वो इस मैच को जीत जाते हैं। बट जब ये मैच एंड होता है तो वहां पर हमें एक कमाल की चीज देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है कि लार्स सुलेवन की रिटर्न यहाँ पर हो जाती है। और लार्स सुलेवन की रिटर्न यहाँ पर होती है और उसी तरीके से होती है जिस तरीके से उन्हें डोमिनेटिंग दिखाया जाता था पहले, और काफी लंबी ये रिटर्न थी और आई थिंक बहुत लोग वेट कर रहे थे कि भाई इस बंदे की रिटर्न कब होगी, काफी सवाल भी आते थे मेरे से इस चीज को लेकर। तो फाइनली अब लार्स सुलेवन की रिटर्न हो चुकी है और काफी डोमिनेटिंग तरीके से उनकी रिटर्न होती है, अटैक वगैरह वो करते हैं भाई, रिंग को खाली कर देते हैं, वो वही जो उनका तरीका होता है जो वो पहले करते थे, तो यहाँ पर भी वही करते हैं, वो काफी धमाल मचा देते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं, जो भी होता है भाई रिंग के अंदर उसको वो पटक देते हैं। तो काफी कमाल की उनको यहाँ पर बुकिंग मिली। लेट्स सी उनके लिए प्लान्स हैं या फिर वो पिछली बार की तरह ऐसे ही रैंडमली कुछ करने वाले हैं या फिर कोई पर्टिकुलर स्टोरी लाइन उनको मिलने वाली है, तो वो तो हमें समय ही बताएगा। बाकी देखते हैं कि वो रॉ में जाने वाले हैं या फिर स्मैकडाउन में रहने वाले हैं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा रॉ का। अब अगर रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो एक और हमें रिटर्न देखने को मिलती है। यहाँ पर स्टेफनी मैकमोहन बताती है कि सिजारो और नाकामुरा को अपनी टैग टीम चैंपियनशिप आज डिफेंड करनी पड़ेगी न्यू डेज के अगेंस्ट। अब जब ये मैच अनाउंस किया और ये मैच स्पेशली स्टेफनी मैकमोहन ने अनाउंस किया तो मेरे को लग रहा था कि भाई कुछ यहाँ पर होगा और इसका ड्राफ्ट से कुछ ना कुछ लेना देना होगा। और जब ये मैच हमें देखने को मिलता है जेवियर वुड की यहाँ पर रिटर्न होती है और ऑब्वियसली कोफी किंगस्टन की भी ये रिटर्न थी, बट स्टिल जेवियर वुड की मैं कहूंगा काफी लंबी रिटर्न थी, इन रिंग रिटर्न थी। तो दोनों ही वो आते हैं और अपने टैग टीम चैंपियनशिप को वो एक बार फिर से जीत जाते हैं। न्यू डेज एक बार फिर से अब स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बन गए हैं और उसके बाद बिग ई भी वहां पर आते हैं, सेलिब्रेट वगैरह करते हैं वो तीनों। बट जब ये चीज एंड हो जाती है और जब ये चीज चल रही होती है उनकी सेलिब्रेशन वगैरह, तो हमें देखने को मिलता है कि स्टेफनी मैकमोहन आती है और वो अनाउंस करती है कि भाई न्यू डेज ड्राफ्ट हो चुके हैं रॉ के अंदर और बिग ई रहने वाले हैं स्मैकडाउन में। अब भाई स्मैकडाउन चैंपियन रॉ के अंदर जा रहे हैं, मतलब ये सेंस बना रहा है नहीं बना रहा है आई डोंट नो, बट ये क्या होगा इसका ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्या स्मैकडाउन चैंपियनशिप वहां पर जाकर रॉ चैंपियनशिप कहलाई जाएगी या फिर आप उसको स्मैकडाउन चैंपियनशिप ही बोलोगे या फिर क्या होगा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भाई इसके लिए तो हमें वेट करना ही पड़ेगा रॉ का और देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। अब अगर स्मैकडाउन चैंपियन रॉ के अंदर चले गए तो इसका मतलब फिर रॉ वाले चैंपियन स्मैकडाउन में आएंगे, तो भाई देखते हैं क्या बवाल मचने वाला है, क्या होने वाला है। रॉ काफी कमाल की होने वाली है ये बात तो तय है। बाकी ओटिस को आज कोर्ट वगैरह में पेश होना था, मतलब कुछ उनका ट्रायल वगैरह था और उसको वो डिनाई कर देते हैं, मतलब वो ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दैट मींस वो डिले कर रहे हैं अपने ट्रायल वगैरह को। तो आई डोंट नो भाई क्या चीज यहाँ पर WWE दिखा रही है, मेरे समझ से बाहर है कि क्या यहाँ पर स्टोरी रन के अंदर चल रहा है, क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ होगा आज बड़ा, बट WWE ने जैसे कि बार बार करती है भाई आज कर दिया फोकट। और ओटिस को रॉ में नहीं भेजा है, उनको स्मैकडाउन में ही रखा है और उनके जो टैग पार्टनर है टकर उनको तो भाई पिक ही नहीं किया है अभी यहाँ पर किसी भी ब्रांड में, तो उनके साथ क्या होगा वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। और मिज एंड मॉरिसन चले गए हैं रॉ के अंदर, तो स्टोरी लाइन यहाँ पर चल रही थी मिज एंड मॉरिसन को रॉ में भेजा है, ओटिस को स्मैकडाउन में रखा है, तो क्या ये स्टोरी लाइन यही एंड हो जाएगी या क्या होगा ये आई डोंट नो। इसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें रॉ का और फिर उसके बाद अगले हफ्ते की स्मैकडाउन का। अब चलते हैं सीधा मेन इवेंट के ऊपर। मेन इवेंट के अंदर द फीड वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में मैच था, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि भाई बहुत ही कमाल का ये मैच होगा और उसी तरीके से ये मैच होता है, नेक्स्ट लेवल ये मैच होता है। हालांकि यहाँ एक ऐसा एलिमेंट आया था मैच के अंदर जहाँ पर केविन ओवेंस पॉपअप पावर बॉम्ब लगाने वाले होते हैं फीड को
टेबल के ऊपर, बट वहाँ पर टाइमिंग सही नहीं बैठती फिंड की और वो वहाँ पर जंप नहीं कर पाते हैं क्योंकि पॉपअप पावर बम मूव इस तरीके का है कि सामने वाले को जंप करना होता है और फिर जो रेसलर उसको परफॉर्म कर रहा है यानी कि केवी रोमेंस को सिर्फ अपने हाथ से पुश करना होता है और उसको डायरेक्शन देनी होती है, बाकी जो काम होता है वो जो रेसलर उस मूव को खा रहा होता है यानी कि रिसीव कर रहा होता है उसका वो काम होता है। तो वहाँ पर फिंड से थोड़ी बहुत गलती हो गई और इस तरीके की गलती वो पहली बार नहीं कर रहे हैं, कुछ हो जाती है उनसे रिंग के अंदर गलतियां इस तरीके की और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी होता है उनका इस चीज को लेकर कि थोड़ा सा एंडिंग स्किल्स को लेकर उनकी, बट ठीक है यार मतलब कभी कभी हो जाती है सबसे गलतियां, तो थोड़ा सा आई थिंक इनको इस चीज में अपना इंप्रूवमेंट लाना होगा और बाकियों के साथ तो चल जाता है, बट अगर आप एजे स्टाइल केविन ओवेंस इन टाइप के रेसलर्स के साथ अगर आप रेसल कर रहे हो तो फिर ये चीज आपके सामने दिख जाती है क्योंकि भाई ये इस तरीके के रेसलर्स हैं जो कि हार्डली कोई गलतियां करते हैं, हालांकि करते हैं हर कोई करता है गलती, बट इनकी जो गलतियां होती है वो ऐसी होती है कि मतलब बहुत रेयर देखने को मिलती है। तो चलते हैं मैच के ऊपर, मैच काफी कमाल का था ये, मतलब नेक्स्ट लेवल ये मैच था, अगर इस वाले एलिमेंट को अगर आप हटा दे तो बाकी काफी कमाल की चीज हमें मैच के अंदर देखने को मिली। अब अगर सीधा एंडिंग पर आए तो ऑब्वियसली केविन ओवेंस का तो जीतने का यहाँ पर सवाल था नहीं फिंड के अगेंस्ट, वो भी एक स्मैकडाउन के शो के अंदर, तो यहाँ पर केविन ओवेंस तो ऑब्वियसली नहीं जीतने वाले थे। फिंड यहाँ पर जीत जाते हैं, मैंडिबल क्लॉ लगाते हैं और भाई वो बहुत ही कमाल का मोमेंट लगता है मेरे को जिस वक्त उन्होंने मैंडिबल क्लॉ लगाई होती है और वहाँ पर स्टनर लगा देते हैं केविन ओवेंस, बट स्टिल जिनका जो मैंडिबल क्लॉ होता है उसे वो छोड़ते नहीं है, मतलब स्टनर पड़ रही है बट स्टिल वो नहीं कर रहे हैं, काफी डोमिनेटिंग दिखाया गया, मतलब केविन ओवेंस अपने मूव्स वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, पॉपअप पावर बॉम्ब लगा रहे हैं, कुछ मतलब टेबल के ऊपर पटक रहे हैं, बट फिंड को कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब वो उठ जा रहे हैं एकदम से जैसे कि कुछ उन्हें हो ही नहीं रहा है, तो काफी डोमिनेटिंग उन्हें यहाँ पर दिखाया गया। अब अच्छा लगता है फिंड को जब इस तरीके से डोमिनेटिंग दिखाते हो, बट जब कभी कभी आप गोल्डबर्ग जैसे रेसलर्स के साथ वो मतलब कचरा कर देते हो उनका, फिर वो बहुत ही बेकार चीज लगती है मेरे को। खैर स्टिल शो पर आते हैं और आई थिंक मैच काफी अच्छी तरीके से एंड होता है, ये मैंडिबल क्लॉ के साथ ये मैच हो जाता है एंड ऑब्वियसली फिंड इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के एंड के बाद हम देखते हैं कि वहां पर एलेक्सा ब्लिस भी देखने को मिलती है हमें और एलेक्सा ब्लिस और फिंड एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहीं पर ये शो एंड हो जाता है। और रॉ काफी कमाल की होने वाली है क्योंकि ड्राफ्ट का जो सेकंड डे होता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, फिंड जाने वाले हैं रॉ के अंदर जो कि मैंने बताई दिया है तुम्हें, बाकी तुमने खुद ही गैस कर लिया होगा, ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज या इतना बड़ा कोई शॉक नहीं है। तो यार यही सब था शो के अंदर और आप अपने थॉट्स मुझे शो के बारे में बताओ नीचे कॉमेंट करके, कुछ भी बता सकते हो जो भी शो के अंदर तुम्हें अच्छा लगा खराब लगा या जो भी है, मेरे को मजा आता है यार जब तुम इस तरीके के कॉमेंट्स करते हो शो के बारे में या फिर चैनल के बारे में या फिर वीडियोस के बारे में, तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो अपने थॉट। बाकी आई नो यार आप में से काफी लोग वीडियो ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, मेरे को पता है भाई तुम पहले ही वीडियो लाइक कर दे दो, बट अगर भूल गए हो या फिर कोई है जिसने लाइक नहीं मारी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं लगी है तो फिर यार कमेंट करके बताओ क्यों नहीं लगी है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है। तो चलते हैं फिर, मतलब राइड खत्म हो गई है तो उतर जाओ फिर गाड़ी से और फिर अपने अपने घर को चलते हैं और मिलेंगे कब बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर चलेंगे एक और बहुत ही मजेदार राइड के लिए। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब। It's so cold.